अभी अभी ये इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मेरे से कई सवाल किए हैं कि हमें राइट बीसीसीआई ने राइट नहीं दिया वोटिंग राइट स्टेट्स में। तो भैया एक बात बता रहा हूँ आपको सबको कि जो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी है जो उसमें 10 रणजी ट्रॉफी की कंडीशन डाली है उन्होंने, ये प्योर क्रिकेटर्स की बॉडी है और ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, इसमें डायरेक्टर्स जितने मर्जी बना सकते हो आप, इसलिए उस बॉडी में से आपकी रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी इंडिया में। तो आप ये सवाल बार बार मत पूछिए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी नॉमिनेशन, आपके राइट्स, ये राइट्स आपको 3 महीने बाद ये सब दिखने शुरू हो जाएंगे जब क्रिकेटर्स बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल में 2 क्रिकेटर्स बैठेंगे, बड़े क्रिकेटर, और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में बैठेंगे 2, और हर स्टेट की एसोसिएशन में 2-2 क्रिकेटर बैठेंगे। चाहे जितनी मर्जी स्टेट अपने आप को समझदार समझे, इन्होंने जितने मर्जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिए है, पर जब 2 क्रिकेटर बैठते हैं तो बहुत सारी जो लोगों की जान निकलती है, जान इसलिए निकलती है कि क्रिकेट की बात तो करना नहीं चाहते वो, तो क्रिकेट की बात अगर नहीं करेंगे तो क्रिकेटर 12 आके शोर करेंगे, इसलिए ये बातें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। धीरे 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 अपने आप ही ये लोग कुछ धीरे धीरे छटने शुरू हो जाएंगे, चाहे लगे 3 साल, चाहे लगे 5 साल। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप जितने लोग जुड़ते जाओगे, जितने इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन पे लोग जुड़ेंगे, उतना ही दूसरे लोगों को थ्रेट है कि ये क्रिकेटर इंडिया में इकट्ठे हुए हैं जो कि 70 साल में नहीं हुए थे। पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे क्रिकेटर्स का इकट्ठा होना इज ए बिगेस्ट थ्रेट टू दी नॉन क्रिकेटर्स। दे कैन बी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेटर्स कांट बी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट क्रिकेटर्स का इकट्ठा होना एक प्लेटफॉर्म पे इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात है। और ये कौन कहता है कि क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, जब एक कप्तान कप्तानी कर सकता है बहुत बढ़िया टीम का और वर्ल्ड कप भी टीमें जिता सकता है, तो क्या क्रिकेटर्स में क्या कमी हो सकती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। तो आई थिंक क्रिकेटर्स बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन एनीबडी एल्स, दे नो हाउ टू प्लेस द फील्डिंग, दे नो हाउ टू प्लेस द बैटिंग ऑर्डर्स, तो क्रिकेटर्स दे नो बेटर हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट क्रिकेट, और क्रिकेट की गेम को कैसे कोचिंग कैंप लगाने हैं, किस कोच को कैसे बताना है, किस कोचेज से क्या आउटपुट लेनी है, और कैसे फिजियो से काम लेना है, कैसे ग्राउंड्स बनाने हैं, कैसे आउटफील्ड होने चाहिए, कैसे सिली पॉइंट और फील्डिंग प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो ये बातें क्रिकेटर्स को आती है। इसलिए मैं आपको सबको बता रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन को स्ट्रांग करिए और उसमें स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट लेके जाइए आप बीसीसीआई में बिठाने के लिए और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में, और आप अपने आप में बताइए हर स्टेट में से आपके कितने लोग हैं। मेरे को जो लग रहा है 30-40-50 से ज़्यादा नहीं है क्रिकेटर किसी स्टेट में, क्योंकि 10 मैच से ऊपर वाले जो क्रिकेटर हैं वो एलिजिबल हैं। तो आपके लिए बहुत आसान है सबके लिए, अगर 30-40 क्रिकेटर्स हैं तो उनमें से 2 जो सीनियर मोस्ट हैं या जो आपको लगते हैं जो ICA बनेगी उनके ऊपर रिप्रेजेंट करो, उनको बोला बोलो जी ये 2-2 लड़के हैं, एक मेल है एक फीमेल है, इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठाओ। और उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ICA विल गाइड देम एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठने से कि आपने कैसे बात करनी है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में, कैसे हर चीज़ को क्रिकेट की रिलेटेड बातों को कैसे पास कराना है। इसलिए आप बिल्कुल शांति रखिए, ये धीरे धीरे क्रिकेट में कैसे स्टेट एसोसिएशन में क्या क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं अगले मेंबर्स बनाने के लिए। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कई स्टेटों में जो मेंबर्स हैं वो 1960 की लिस्ट लग रही है, 90% स्टेट्स में यही हाल है। अब जब आप बैठोगे, अब आप स्टेट में जो मेंबर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओनली 15-20 लोग ही एक्टिव हैं, बाकी तो सब ऐसे के ऐसे ही हैं। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, अगर 20-30-50 क्रिकेटर भी धीरे धीरे बनाएंगे अंदर तो हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी। सो आप बिल्कुल शांति से, क्योंकि मेरे से मैं बड़े कंसल्टेंट से सुनता भी हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, जस्टिस रोडा रिफॉर्म के ऊपर पढ़ता भी हूँ, और मैंने सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अटेंड की है, और मैं अपने वकीलों से भी बात करता हूँ कि कोई बात मेरे से गलत ना हो जाए। फिर भी मैं चेक भी करता हूँ कि अब मैं कोई भी बात बताऊँ तो उसमें थोड़ी सी अच्छा सा रहे आपको अवेयर करने के लिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे क्रिकेटर्स को कि आप अपने और दोस्तों को जोड़िए जिनको ये पता चले उनके राइट्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये चैनल अब चलेगा 10 अक्टूबर तक, जब तक हमारा ICA का इलेक्शन नहीं होता। जैसे नॉमिनेशन फाइल करने की डेट आएगी तो विल स्टार्ट कि किसको नॉमिनेट करना है, हमने इसी चैनल पे हम नॉमिनेट करके और इलेक्शन का मोल्ड ले जाएंगे किस तरफ लेके जाएंगे।
तो हमें हमारा इंटरेस्ट पूरे इंडिया में क्रिकेटर्स के साथ है। थैंक यू वेरी मच।